नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री टॉक शो में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हिंदू धर्म की स्थापना कैसे हुई, किसने हिंदू धर्म की स्थापना की। तो दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन भी पा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो संपूर्ण विश्व में वैदिक धर्म ही था। फिर इस धर्म की दुर्गति होने लगी। लोगों और तथाकथित संतों ने मत भिन्नता को जन्म दिया और इस तरह एक ही धर्म के लोग कई जातियों एवं उपजातियों में बट गए। ये जातिवादी लोग ऐसे थे जो वेद, वेदांत, परमात्मा में कोई आस्था विश्वास नहीं रखते थे। इसमें से एक वर्ग स्वयं को वैदिक धर्म का अनुयायी कहता था, वहीं दूसरा जादू टोने में विश्वास रखता था। दोनों ही वर्ग भ्रम और भटकाव में जी रहे थे, क्योंकि असल में उनका वैदिक धर्म से कोई वास्ता ही नहीं था। कहते हैं कि श्री कृष्ण के काल में ऐसे 72 से अधिक अवैदिक समुदाय दुनिया में मौजूद थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने सभी को एक किया और फिर से वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। आज हिंदू धर्म की हालत यह है कि हर संत का अपना एक धर्म और हर जाति का अपना अलग धर्म है। लोग भ्रम और भटकाव में जी रहे हैं। वेदों को छोड़कर संत, ज्योतिष और अन्य लोग दूसरे या मनमाने धर्म के समर्थक बन गए हैं। खैर, अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं, इस धर्म की कोई शुरुआत नहीं, इसकी शुरुआत का कुछ अता पता नहीं। हालांकि धर्म के जानकारों के अनुसार वर्तमान में जारी इस धर्म की स्थापना मनु द्वारा की गई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। क्रमशः कहें तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 11 रुद्र, 11 प्रजापतियों एवं स्वयंभू मनु के द्वारा इस धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस धार्मिक ज्ञान के शिव के साथ शिष्यों ने अलग अलग शाखाओं का निर्माण किया। वेद और मन सभी धर्मों का मूल है। मन के बाद कई संदेश वाहक आते गए और इस ज्ञान को अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया। लगभग 90,000 से भी अधिक वर्षों की परंपरा से यह ज्ञान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध तक पहुंचा। यदि कोई पूछे कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना चाहिए ब्रह्मा प्रथम है और श्री कृष्ण बुद्ध अंतिम है। जो पूछते हैं उन्हें कहो कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने हिंदू धर्म की स्थापना की, या किसी पदार्थ नहीं, ऋषियों के नाम है। दोस्तों, जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजु, साम और अथर्वेद का ग्रहण किया, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। आदि सृष्टि में अवांतर प्रलय के पश्चात ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने धर्म का उपदेश दिया। मनु ने ब्रह्मा से शिक्षा पाकर भृगु, मरीचि आदि ऋषियों को वेद की शिक्षा दी। इस वाचिक परंपरा का वर्णन पर्याप्त भाग मनुस्मृति में यथार्थ रूप से मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को प्राप्त किया। प्राचीन काल में ऋग्वेद ही था, फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और सामवेद की शुरुआत हुई। बहुत काल तक यह तीन वेद ही थे, इन्हें वेद त्रयी कहा जाने लगा। मान्यता के अनुसार तीनों के ज्ञान का संकलन भगवान राम के जन्म के पूर्व पुरुवार ऋषि के समय ही हुआ था। अथर्ववेद के संबंध में मनुस्मृति के अनुसार इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ, बाद में अंगिरा द्वारा सुने गए अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। इस तरह हिंदू धर्म दो भागों में बट गया, एक वेद जो ऋग्वेद को मानते थे, दूसरे वो जो अथर्ववेद को मानते थे। इस तरह चार किताबों का अवतरण हुआ। कृष्ण के समय महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने वेद को चार प्रभागों में बांट दिया। कृष्ण द्वैपायन से तात्पर्य वेद व्यास से है। इन चारों प्रभागों की शिक्षा चार शिष्यों के पैल वैश्मयायन, जैमिनी और सुमंतु को दी। उस क्रम में ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैश्मयायन को, सामवेद जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। वेद व्यास को ही वेद व्यास कहा जाता है या कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान को आदित्य से कहा, आदित्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से, मनु ने कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। इस प्रकार इस परंपरा द्वारा हमने ज्ञान को आगे बढ़ाया। परमेश्वर से प्राप्त यह ज्ञान ब्रह्मा ने 11 प्रजापतियों, 11 रुद्रों और अपने ही स्वरूप स्वयंभू मनु और शत्रुपा को दिया। स्वयंभू मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों को दिया। फिर क्रमशः स्वरेचिस, उत्तमी, तामस मनु, रैवत, चाक्षुष और वैश्वत मनु को यह ज्ञान परंपरा से मिला। अंत में यह ज्ञान गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण को मिला। अभी वाराह कल्प में सातवें मन वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है।
दोस्तों ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। इस तरह वेद सुनने और वेद संभालने वाले ऋषि और मनु ही हिंदू धर्म के संस्थापक हैं। अतः हम कह सकते हैं हिंदू धर्म के संस्थापक मनु हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।